जो PVTG ग्रुप्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत हुई है, मैं सदन के माध्यम से ये रखना चाहती हूँ बात कि देश के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि जिन्होंने पहली बार हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर, उनकी जन्मस्थली पर जनजाति गौरव दिवस पर वहाँ पे मत्था टेका है। और सिर्फ मत्था नहीं टेका तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि हमारा जनजाति क्षेत्र का विकास और आगे बढ़े। और उसी दिन 24,000 करोड़ की भी बजट की, फाइनेंशियल बजट की भी वहाँ पे घोषणा हुई। वो सिर्फ घोषणा नहीं हुई तो जिस तरीके से कहा कि क्या बिजली के माध्यम से कुछ काम हो रहा है क्या, तो मैं बताना चाहूँगी कि अलग अलग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो 22,000 विलेज और 200 डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चलेगी, तो उस माध्यम से चाहे वो आवास हो, चाहे वो कनेक्टिंग रोड का विषय हो, वाटर सप्लाई हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो, अलग अलग मिनिस्ट्री से और ख़ास करके न्यू सोलर पावर स्कीम के माध्यम से भी मदद मिलेगी और जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। और दूसरा सवाल था कि क्या बच्चों के लिए शिक्षा हो या नया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है जिसके डिटेल्स सभा पटल पे रख दिए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से जो कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंदन करे, उसमें 3 कंपोनेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरा कंपोनेंट है वनधान केंद्र का निर्माण करना, और तीसरा कंपोनेंट है उसको मार्केटिंग देना। तो इस माध्यम से ट्राइफेड ने आज तक वनधान के माध्यम से 41 करोड़ का बिजनेस दिया है जो लाभ हमारी जनजाति क्षेत्र को हुआ है, और 170 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस ट्राइबल आर्टिसन के माध्यम से माध्यम को हुआ है।